हाँ सर, ये सेक्शन क्लिप है, इसको भी सैनिटाइजर डिटॉल से वॉश किया हुआ है। मक्खन लगाता है चेहरे पे रोज। हे गाइस, वेलकम बैक टू रूडीज मेस। मैं हूं रुद्राक्ष और आज लेने वाले हैं हेयर कट कोरोना टाइम में, क्योंकि सलून खुल चुके हैं तो चेक करेंगे कि सेफ्टी मेजर्स कैसे हैं, क्या ये सेफ है और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है। हमारे बार्बर है सोनू भैया, जो मेरे, अनमोल और हमारे सारे फ्रेंड्स के बार्बर हैं 3 साल से। तो पहले हम उनको घर बुला रहे थे, पर फिर उन्होंने बोला कि सेफ्टी मेजर्स हैं सलून पे भी और आप आके एक बार देख लीजिए, स्कैन करूँगा, नए प्रिंट यूज़ करूँगा, टेस्ट करूँगा, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है भैया, देखते हैं, आ जाते हैं आपके पास ही। करके भैया ने एक स्पेशल संदेश भेजा है कि अपना बस टॉवल ले आना, बाकी सब मैं अपने यूज़ करूँगा। तो हम लोग अपना अपना एक टॉवल लेंगे। अनमोल भी आ रहा है मेरे साथ बाल कटवाने। वैसे मुझे बाल कटवाने नहीं थे, मैं बढ़ा रहा हूँ, पर वो ऑकवर्ड स्टेज आती है ना एक, ना पे बाल संभलती नहीं, तो बीच बीच में आपको ट्रिमिंग करवानी पड़ती है, जाके स्प्लिट एंड्स वगैरह। मैं बस हल्का सा ट्रिम करवाऊंगा, अनमोल प्रॉपर हेयर कट लेगा। मेरी तरफ से सेफ्टी के लिए मैंने फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन ली है और जीन्स पहन ली है, मैं पूरा फुल पैक हो गया हूँ। मास्क भी पहन लेंगे तो फुल पैक हो जाऊंगा। लिया है अपना टॉवल, अस्त्र और शस्त्र। इस शस्त्र के बारे में नहीं पता है तो मेरा व्लॉग 1 जाके देखो फन अनलॉग चैनल पे, इसके बारे में तुम्हें कुछ कुछ पता चलेगा। बहुत इंटरनेशनल ब्रांड एटलॉन। लोग आ गए हैं सोनू भैया के पास और जूते बहुत अच्छे पहने सोनू भैया ने। ओ ओ हाँ सर, 34 अंजित भाई बस बस सब लोग ले लो। सामान आ चुका है, ये सामान है, ये पूरी चीजें, इसमें सैनिटाइजर किया हुआ है भैया, ये डिस्पोजल एप्रन है, एक बार लगाने के बाद में दोबारा इसको यूज नहीं किया जाता, ये फेंका जाता है। ये सेक्शन क्लिप है, इसको भी सैनिटाइजर डिटॉल से वॉश किया हुआ है। ये मशीन के नॉजल है, इसको भी वॉश किया हुआ है सैनिटाइजर से। ये रेजर है, इसको भी वॉश किया हुआ है। ये सीजर है, इसको भी वॉश किया है। बहुत बढ़िया, सब कुछ सैनिटाइज किया हुआ है भैया ने, मतलब सब सैनिटाइज किया हुआ है। चेयर में भी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, तो मैंने स्प्रे करके इसमें सैनिटाइजर किया हुआ है। बहुत बढ़िया, हम लोग सेफ है, मतलब आप यहाँ से जाएंगे तब भी सैनिटाइजर होगा सब दूर, तो झाड़ू लगेगा, पोछा लगेगा। मेरे जो हेयर है ना, हाँ बहुत कर्ली है, हाँ तो ना इनको ये स्ट्रेट भी हो जाए और केमिकल भी नहीं लगाए। ये स्ट्रेट भैया, जैसे क्या है, ये जो आपका हेयर है ये आपका जन्म से हेयर है। हाँ। जैसे आपने नोटिस किया होगा आपके पापा के भी ऐसे ही हेयर है, हमारे बाल, हमारा फेस, हाँ। ये सब हमारे को मम्मी पापा से प्राप्त हुए ज्ञान से मिलता है, हाँ ना, गुण से मिलता है। तो ये आपका नेचुरल है जो भगवान ने दिया हुआ है, आपका कर्ली हेयर। ये हम आर्टिफिशियल केमिकल से स्ट्रेट कर सकते हैं, पर परमानेंट नहीं, सिर्फ खाली 5 से 6 महीने के लिए। तो इनकी लेंथ इतनी शॉर्ट हो कि ताकि ये स्ट्रेट दिखे, उसको मेंटेन करा जाए। अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनिंग इसका वगैरह टाइम टू टाइम लेंगे, बालों में ड्राइनेस नहीं होगी, तो मुड़े हुए हेयर, कर्ली हेयर बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, बेबी हेयर मतलब बहुत आसान होता है उसको मेंटेन। सुनो, मैं मक्खन लगाता है चेहरे पे रोज। वो वीडियो के पहले बोला था कि जोर से बोलना, जोर से, तो एक बार जोर से, जोर से। बाल थोड़े थोड़े ट्रिम करवाने थे, भैया ने छोटे कर दिए, शैम्पू लग रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। तुम्हारा क्या कहना है? इसी के साथ हम आसमान की ऊंचाइयों में
मेरे को तो जबरदस्ती आना पड़ा इन दोनों के कारण। अवरीलाल जी की दुकान पे नाश्ता करने, जो इंदौर रहते हैं वो जानते होंगे हम लोग कहाँ हैं। तो बबरी लाल पे सिर्फ कचौरी है, तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब हम, मेरे को तो दही छोले कबाब खाने थे, कबाब खाने थे यार। चलो चॉकलेट बुटीक चलते हैं। एक वेज चीज ग्रिल सैंडविच और एक नेचुरल चीज सॉस, पिज्जा विद डबल चीज। गाना सुना रहे हैं, सुनाओ। चावल नहीं है, आटा नहीं है, केला खाओ केला खाओ केला खाओ खाओ खाओ, इसमें है पोषण इसमें है ताकत, तुम भी तो एक बार केला खाओ। ना 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 ये पहले टेस्ट करके देख रहा है जहर तो नहीं है, उसके बाद कुत्ते को दे रहा है। कैफे के बाहर नहीं खा सकते थे तो हम लोग आए एक सुनसान वीरान जगह पे अपना ऑर्डर खाने के लिए। ऑर्डर खाता थे हम तो खाना खाने के हिसाब से आए थे। सच आता था वैसा केयर कट हुआ नहीं, सोनू भैया ने थोड़े ज़्यादा ही छोटे कर दिए, जितने अभी थे उतने ही बढ़ाने में इतना टाइम लग जाएगा वैसे अभी। पर पूछा जाए कि कितना सेफ़ है, तो मेरे ख्याल से 85% सेफ़ है, क्योंकि मास्क और किट तो सबने पहनी हुई है और सब लोग सैनिटाइज भी कर रहे हैं, अपना प्रिकॉशन रखना चाहिए। पर हवा में वायरस हो तो नहीं कह सकते, तो उसके लिए मैं 15% छोड़ रहा हूँ, बाकी 85% सेफ़ है। अपने प्रिकॉशंस रखो, अपने अस्त्र शस्त्र लेके चलो और निकलो आराम से, सेफ्टी रखो, सब सही है। जाना है कावासाकी शोरूम इंदौर, बहुत जल्द सुपर बाइक्स का बुलावा आया है। अगर तुम वो व्लॉग मिस नहीं करना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा के ऑल पे सेट कर दो, वो वीडियो अपलोड होते ही तुम्हारे सामने अपने आप प्रस्तुत हो जाएगी, तुम्हें बस क्लिक करके एक ओपन करनी रहेगी। ये करने में तुम्हारा जाएगा 1 सेकेंड और बिल्कुल फ्री है, तो करो करो। सो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, टेक केयर, सायोनारा, शब्बा खैर, टाटा।